Once again a very good morning to everyone. Today we are going to start our online class with a new topic, and that topic is conversion of hours into second. Means हम hours को second में कैसे convert करते हैं उसके बारे में study करेंगे. Now we take some question related to conversion of hours into second. First question is convert 3 hours into second. Means आपने 3 hours को second में convert करना है. फर्स्ट वी राइट फॉर्मूला. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डायरेक्ट आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकंड. तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा 1 hour है और राइट साइड में हमारे सेकेंड है, तो हम जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं तो हम ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब हम 3 hours को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 hours इज इक्वल टू 3 × 3600 सेकेंड. नाउ वी मल्टीप्लाई, तो 36 × 3 तो आंसर आएगा आपका 108. तो आंसर क्या आ गया, 10,800 सेकेंड इज योर आंसर. नाउ वी टेक सेकेंड क्वेश्चन. कन्वर्ट 7 hours 20 minutes इंटू सेकेंड. अब यहाँ पे आपको आवर्स और मिनट दोनों को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको दोनों को कन्वर्ट करने के लिए दो फॉर्मूले राइट करने होंगे. तो जब हम आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, और जब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड. अब कन्वर्ट करेंगे तो 7 hour 20 minute हमें कन्वर्ट किसको करना है, 7 hour 20 minute को. तो कन्वर्ट करने के लिए 7 hour को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, और हम 20 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से, क्योंकि आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा. और मल्टीप्लाई करके जो दोनों के आंसर आएंगे उनको हम फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. नाउ वी मल्टीप्लाई, जब हम 7 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25,200, और जब हम 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1200 सेकेंड. अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर आ गए तो हम इनका फिर क्या करेंगे, लास्ट में एडिशन कर लेंगे. एडिशन करने पर जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. तो एडिशन करने पर हमारा आया 26,400 सेकेंड. मीन्स आपने इतना सा याद रखना है कि अगर आप आर को सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है. देन मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उन दोनों का एडिशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 2.5 hours इनटू सेकंड. मींस आपने ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है 2.5, तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो हमें कन्वर्ट किसको करना है, आर दिया हुआ है उसको सेकंड में करना है. तो हमने क्या करा, पहले फॉर्मूला राइट कर लिया, 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. अब हम 2.5 को कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो 2.5 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, देन उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया. तो 2 × 2 = 4, देन 1 = 5, 5 और 2 एज इट इज आपका नीचे आ जाएगा. तो ये आपका हो गया कन्वर्ट 5/2 hours में. अब हम इस आवर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में. तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 5/2 hours इज इक्वल टू 5/2 × 3600 सेकेंड. मल्टीप्लाई करा, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, और 2 हमारा एज इट इज उसमें हम नीचे डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे. तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 18,000/2. तो आपका 18,000/2 आ गया. देन उसके बाद में हमने यहाँ पे डिवाइड करा, तो जब हम 18,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 9 = 18, देन 0 एज इट इज 3 इसके पीछे राइट कर देंगे. तो आंसर आएगा 9,000 सेकेंड. मीन्स आपने अगर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसको सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपका नॉर्मल डायरेक्ट आपको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन होता तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें
इंस्ट्रक्शन फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करने के बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई आप जो ऊपर नंबर गिवन होगा मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे 3600 से, ना कि आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से तो हम उसे डिवाइड करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।